वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको पापड़ बनाने से पहले जो उसका पूरा प्रोसेस होता है वो आज मैं आपको बनाना बताऊंगी। पापड़ सभी को बहुत टेस्टी लगते हैं, खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं। सिर्फ 10 मिनट के अंदर हम पापड़ कैसे बनाएं वो आज मैं पूरा इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप मेरा वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस पे मैंने बर्तन रखा है और उसमें मैंने पानी ऐड किया है फुल फ्लेम पे। हमें पानी को अच्छे से गर्म होने देना है। जब पानी अच्छा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम खार और नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है पापड़ खार, तो ये मैं 2 टीस्पून इसमें ऐड करूंगी। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया खाने का नमक, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देते हैं और पानी को ठंडा होने देंगे। यहाँ पर मैंने 3 कप आटा लिया है, जिसमें से मैंने 2 कप मूंग दाल बिना छिलके वाली और 1 कप उड़द दाल वो भी बिना छिलके वाली, दोनों दाल का मैंने आटा इसमें मिक्स किया है। यदि आपके पास आटा चक्की है तो आप आटा चक्की में ही आटा पीस सकते हैं दोनों दाल को मिक्स करके, और यदि नहीं है तो आप मिक्सी में भी इसको पीस सकते हैं। मिक्सी में बिल्कुल इसको बारीक पीसना है और जो मैदा छानने की जो चलनी होती है उससे हमें इसको छानना है। बहुत ही इजी तरीके से आज मैं आपको बताऊंगी कि पापड़ कैसे बनाते हैं, तो आप मेरा वीडियो पूरा देखें। तो चलिए आटा हमारा तैयार हो गया है, पानी भी तैयार हो गया है। अब इसमें हम ऐड करने के लिए काली मिर्च तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून काली मिर्च ली है। इस तरह आप देख सकते हैं ये काली मिर्च कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। साबुत काली मिर्च को हमें दरदरा कूटना है। कूटने के बाद हमें इसको आटे की छलनी से छानना है। जो नीचे का पार्ट है वो तो हमें चाय के मसाले में गरम मसाले में ऐड कर देना है, उसको हमें काम में नहीं लेना है। और जो ऊपर का पार्ट है वो है हमारे पापड़ की काली मिर्च। तो ऊपर की काली मिर्च को हम थाली में लेंगे, उसके जो छिलके हैं वो हम निकाल लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये काली मिर्च बचेगी जो हमें पापड़ के आटे में ऐड करनी है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि थाली में लेने के बाद जो काली मिर्च के छिलके हैं वो हमें निकाल के ही इसमें डालने हैं। काली मिर्च को कूटने का जो प्रोसेस है यदि आपको पूरा देखना है तो आप मेरे मूंग दाल के पापड़ के वीडियो में देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही साथ चना दाल के पापड़ की रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने दे दिया है। तो चलिए अब हम आटा गूंथने की तैयारी करते हैं। तो जो काली मिर्च हमने ली थी वो इसमें हम ऐड कर देंगे, स्वाद अनुसार आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून काली मिर्च इसमें ऐड की है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हींग ली है, ये भी इसमें आप जरूर डालें, इससे जो है पापड़ का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। जो पानी हमने पापड़ खार और नमक का तैयार किया था वो इसमें हम ऐड करेंगे और धीरे धीरे हमें डो लगाना है। बिल्कुल हमें हाथ की मदद से इसका टाइट डो तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसमें पानी ऐड करना है ताकि अच्छी तरह से इसका टाइट आटा लग जाए। इस तरह आप देखिए बिल्कुल हमें टाइट डो ही इसका तैयार करना है। तो मैंने गैस पे 1.5 कप पानी ऐड किया था, 1.5 कप पानी को मैंने गर्म किया था, उसमें से इतना पानी हमारा बचा है। इस तरह बिल्कुल मैंने टाइट आटा लगाकर इसका तैयार किया है, आप देख सकते हैं इतना टाइट हमें लगाना है। इसको अब मैं एक प्लेट में लूंगी। इस तरह आप देखिए डो को मैंने प्लेट में रख लिया है। अब 1 टीस्पून मैं इसमें तेल ऐड करूंगी और इसको अच्छी तरह से मसल मसल के इसको मैं और सॉफ्ट बनाऊंगी। इस तरह आप देखिए इसको हमें खूब अच्छी तरह से मैश करना है ताकि बिल्कुल नरम हो जाए और बिल्कुल भी बेलने पे फटे नहीं। इस तरह ये तो थोड़ा सा आटा है इसलिए मैं प्लेट में कर रही हूँ। यदि आप 1 या 2 किलो पापड़ का बना रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आप जमीन को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, बिल्कुल उसको क्लीन करने के बाद उस पर चिकनाई लगा के और भारी वजन लेके उसको आप इस तरह कूटिए जोर जोर से ताकि बिल्कुल अच्छा और सॉफ्ट डो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसकी हमें एक बॉल बनानी है, तो 1.25 इंच व्यास की मोटाई में इसकी हम एक बॉल बना लेते हैं। इस तरह दोनों हाथ की मदद से हमें इसकी लंबी सी बॉल बनानी है, आप देख सकते हैं। इस तरह आप चाहे तो इसको एक चकले पर भी बना सकते हैं। इस तरह हमें हाथ का जोर लगाते हुए इसकी हमें बॉल बनानी है। ये देखिए बॉल हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे हमें कट करना है, तो 1/2 इंच व्यास की मोटाई में हम लोई बनाएंगे इसकी। तो चलिए अब मैं आपको कट करना बताती हूँ, तो 2 तरीके से बताऊंगी मैं आपको। ये मैंने एक बेलन ली है और ये लिया है मैंने एक धागा इस तरह का। ये धागा हम बेलन के यहाँ पे बांध देंगे।
इस तरह मैंने इसको बांध दिया है। अब इसको हम हाथ से पकड़ करके इसके हम लोए कट करेंगे। तो बेलन को मैं यहाँ पे हाथ से पकड़ती हूँ, ये देखिए इस तरह हम बॉल को उठाएंगे और इस तरह हमें कट करना है। ये देखिए इस तरह एक और कट करके बताती हूँ मैं। इस तरह हमें धागे को खींचना है बराबर करके। ये देखिए बड़ी आसानी से कट हो जाता है। इस तरह देखिए मैंने कट किया है, इससे जो है सफाई भी बहुत अच्छी आती है कट करने में। और अब हम नाइफ से कट करेंगे। जब आप ज्यादा पापड़ बनाए तो इस तरह धागे से ही कट करें, और कम बनाए तो इस तरह नाइफ से भी कर सकते हैं। तो इस तरह नाइफ से भी कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह आसानी से कट हो जाते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं मैंने सारे कट कर लिए हैं। इसमें तेल ऐड करेंगे ताकि ये चिपके नहीं और आसानी से इसे बेल सके। अच्छे तरह से आगे पीछे हमें इसमें तेल ऐड करना है। आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह इन लोहे की आप टिकड़ी भी बना सकते हैं। इसकी टिकड़ी जो है खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब टिकड़ी कैसे बनाते हैं ये रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जरूर एक बार ट्राई कीजिए। इस लोहे को ऐसे भी खाएंगे तो भी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको एक बाउल में ढककर रख देंगे और एक एक लोई उठा के हम उसके पापड़ बनाएंगे। पापड़ का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं भी आपको बनाना नहीं बताऊंगी, आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ इसका शुरू से लेकर आखिर तक का जो प्रोसेस होता है वो मैंने आपके साथ आज शेयर किया है। इसके बारे में और भी कुछ आपको पूछना है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। पापड़ जो है 2-3 साल तक खराब नहीं होते हैं, उन्हें कैसे हमें सेफ रखना है वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। पापड़ तो सभी को पसंद आते हैं, तो इस तरह हम 10 मिनट में पापड़ बना सकते हैं। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर आप मुझे क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।